दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा के किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ऑटो के किराए में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली सरकार ने CNG के रेट बढ़ने के बाद ये फैसला लिया है। इस फैसले पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का क्या कहना है, आइए जानते हैं। दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया है कि ऑटो टैक्सी के रेट्स नए नोटिफाई किए हैं, जिसमें ऑटो मीटर जो है वो 25 रुपए की जगह 30 रुपए कर दिया है, और जो 9.5 रुपए किलोमीटर का प्राइस था उसको 11 रुपए कर दिया। उसको कैसे देखते हैं आप? अच्छी तरह से देखते हैं, स्वागत करते हैं हम कि नए रेट हैं लागू हो गए हैं और हम मीटर को रिवाइज करके उसी रेट पर चलेंगे। गैस महंगे होने के कारण काफ़ी दिनों तक हमने दिक्कत झेली है, जो पहले कम थी अब 80 रुपए के लगभग CNG हो गई है, तो काफ़ी महंगा पड़ रहा था, लेकिन अब किराया लागू हो गया है तो हम उसी रेट से चलेंगे। दिल्ली सरकार ने नए रेट ऑटो टैक्सी के लिए नोटिफाई किए हैं, जिसमें ऑटो मीटर जो 25 रुपए था डाउन पे वो 30 रुपए हो गया है, और 9.5 रुपए जो किलोमीटर के हिसाब से थे वो 11 रुपए हो गए। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि अच्छा हुआ ये, एक तो प्लस गैस के पैसे ज़्यादा बढ़ रहे थे और गाड़ी की झाड़ियाँ भी ज़्यादा, तो उससे हमारे को पूर्ति नहीं हो पा रही थी, मतलब कंफर्टेबल घर के खर्चे भी हैं और भी चीज़ें, तो दिल्ली सरकार ने अच्छा करा, उसके लिए मैं केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूँ, और जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सवारी में और ड्राइवरों में मस्टर्ड नहीं होती है कि आप मीटर से नहीं चलते और आप ये है और आप लड़ाई झगड़ा होता है, उससे वो कम होगा, सवारी भी कंफर्टेबल होगी और हम भी कंफर्टेबल होंगे, तो हमें बार बार नहीं कहना पड़ेगा जी मीटर नहीं बढ़ा है या ये नहीं बढ़ाया, ओला ओवर है, और प्लस जैसे CNG के रेट बढ़ गए हैं तो हमारी मजबूरी होती है, तो इस बात को हर कोई नहीं समझता। मीटर से चलेगी मैडम, किराया बढ़ेगा तो गैस दुगनी महंगी होगी, 40 रुपये किलो गैस थी 80 रुपये हो गई, आज किराया बढ़ेगा तो रात देगा तो मीटर से चलेंगे। बता दें कि ऑटो रिक्शा के किराए में पिछला बदलाव 2020 में हुआ था।